नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके इस YouTube चैनल क्लासमेंट नितेश पर। दोस्तों, जैसा कि हमारे YouTube चैनल पर ये टॉपिक चल रहा है वर्ड बिल्डिंग, तो इसमें आज हम फोर्थ पॉइंट कवर करने जा रहे हैं, वर्ब टू एडजेक्टिव। इससे पहले भी हमने तीन पॉइंट पढ़े हैं। अगर आप में से किसी ने वो टॉपिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ड बिल्डिंग की, वहाँ से वन बाय वन सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हम वर्ब टू एडजेक्टिव समझने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद में वहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लें बेल आइकन पर, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की एजुकेशन वीडियो मिलती रहे। ये ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें, इससे क्या होगा कि आपको सभी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी टाइम पर। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो इसमें हम एक ही रूल समझने वाले हैं, वो रूल क्या है चलो देखते हैं। वर्ब से एडजेक्टिव बनाने के लिए हम एबल, एबल, ईडी और आईएनजी, इन सफिक्स को जोड़ते हैं। हम इन चार सफिक्स को जोड़कर वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं। ये चार ही हैं और ये एक ही रूल है वर्ब से एडजेक्टिव बनाने का। तो चलिए बनाते हैं वर्ब से एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर हमारा वर्ड है ब्रेक, ये क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टूटना। तो इससे हमारा जो एडजेक्टिव बनेगा वो होगा ब्रेकेबल, यानी कि तोड़ने योग्य, तोड़ने जैसा या तोड़ने लायक। एबल का यहाँ पर इस एबल सफिक्स का मीनिंग होता है तोड़ जैसा, के योग्य, के लायक, ये मतलब होता है यहाँ पर। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं, चेंज यानी बदलना, चेंजेबल, आपको आ ही रहा होगा समझ में, यानी कि बदलने योग्य, बदलने जैसा या बदलने लायक। अटेन यानी प्राप्त करना, अटेनेबल, रीड, रीडेबल, अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टैंडेबल, कमेंड यानी कि प्रशंसा, कमेंडेबल, कंपेयर तुलना करना, कंपेरेबल, इस तरीके से बनेंगे। कंप्रेस यानी दबाना, कंप्रेसेबल, कन्वर्ट रूपांतरित करना, कन्वर्टेबल, डिसर्न यानी विचार करना, डिसनरेबल, टॉलरेट यानी सहन करना, टॉलरेबल, वेनरेट यानी कि सम्मान करना, वेनरेबल, इमिटेट यानी नकल करना, इमिटेबल, इस तरीके से। यहाँ पर एक चीज़ खास है इन तीन वर्ड्स में कि इनके लास्ट में क्या आ रहा है, ए टी ई, ए टी, ये भी ध्यान रखिए कि जिन वर्ड्स के लास्ट में ए टी ई आए उनके लिए हम एबल का ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारे जो वर्ब है उसका हमको एडजेक्टिव बनाना है वो क्या लगाकर बनाना है, आई एन जी और ई डी, ये दोनों वर्ड से लगाकर बनाना है। तो चलिए हमारी जो पहली वर्ब है वो है प्लेज, इसका मतलब होता है आनंदित करना, प्लेज। एक और प्लीज का मतलब होता है कृपया, पर यहाँ पर जो ये हमारी वर्ब है वो नाउन होता है और ये यहाँ पर वर्ब है, ठीक है ना। आनंदित करना मतलब होता है इसका, तो इसको हम आई एन जी और ई डी लगाकर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों वर्ड्स तैयार हैं, बने हुए हैं। जैसे प्लेजिंग यानी खुश करने वाला, प्लेज यानी खुश, ये दोनों अलग अलग मीनिंग होते हैं दोनों के, एडजेक्टिव बनाते हैं जब हम। अगला वर्ड है हमारा कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कनेक्टिंग और कनेक्टेड, यानी कि जोड़ने वाला और जुड़ा हुआ, इस तरीके से मीनिंग निकलते हैं ई डी और आई एन जी जब हम लगाते हैं। चलिए अब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने देख लिया कि आई एन जी और ई डी लगाकर हम एडजेक्टिव बनाते हैं वर्ब में। चलिए एडवांस यानी प्रगति करना, एडवांस्ड प्रगतिशील, आर्म यानी सशस्त्र करना, आर्म्ड यानी सशस्त्र, ऑथोराइज यानी अधिकार देना, ऑथोराइज यानी अधिकृत, सिविलाइज यानी सभ्य बनाना, सिविलाइज यानी सभ्य। डेकोरेट, डेकोरेटेड यानी सजाना, डेकोरेट का मतलब सजाना, डेकोरेटेड यानी सजा हुआ, ड्राई यानी सुखाना, ड्राइड यानी सूखा, मेरी यानी शादी करना, मैरिड यानी विवाहित, थ्राइव यानी कामयाब होना, तो यहाँ पर हम आई एन जी लगाकर बनाएंगे। संपन्न, इसका मतलब होता है अगर हम आई एन जी थ्राइविंग यानी कि संपन्न, स्पार्कल यानी चमकना और स्पार्कलिंग यानी कि चमकदार, डिस्टर्ब यानी बाधा डालना, डिस्टर्बिंग यानी बाधा डालने वाला, डिस्ट्रेस यानी कि सताना, डिस्ट्रेसिंग यानी कि सताने वाला, ठीक है। तो ये था आज का ये वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी दूसरी वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।